आप बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देखो क्वेश्चन क्या है। आप बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पर हाँ ये चीजें आई है। कॉन्टिन्यूसली इफ अ पर्सन प्लेसेस 1,000 रुपीज इन द बैंक ईच ईयर प्लेसेस 1,000 रुपीज इन द बैंक ईच ईयर हाउ मच विल बी हाउ मच विल बी इन द अकाउंट आफ्टर इन दिस अकाउंट आफ्टर थ्री इयर्स। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको कंपाउंडेड और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली दो मेथड बताए थे, दो फॉर्मूले होते हैं। ये देखो, ये तो हम करते आए, और कंटिन्यूसली जब वर्ड आ जाए, अमाउंट ऑफ एन्युटीज विच द आर रुपीज आर पेड इन ईच ईयर एंड एन ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंटेज कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली। तो जब कॉन्टिन्यूसली वर्ड आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चे, ठीक है। क्या एस इक्वल्स टू 0 एन आर ई रेज टू पावर आपके पास में एन इंटू आई दिस वन और विद रिस्पेक्ट टू ये हुआ है टी। क्लियर है बच्चे? क्योंकि आपके पास में ये होता है बेसिकली, टी आई, ठीक है। सबसे पहले अगर आप सॉल्व करते हैं, एस एस सम ऑफ अमाउंट क्या बनेगा आपको नहीं पता। 0 टाइम क्या है बच्चे आपका, 3 साल है। आर क्या जमा करवा रहे हो हर बार, 1,000 रुपीज़ आप हर बार जमा करवा रहे हैं। इंटू ई रेज टू पावर, ई रेज टू पावर आप यहाँ पे करते हैं टी, टी क्या है 3 और आई क्या आपके पास में रेट ऑफ 6%, तो 0.06, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कॉन्स्टेंट नंबर का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं है। ये जो ई रेस टू पावर है आपके पास में दिस वन, अभी तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करो। जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू टी, अभी क्योंकि मैं वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रहा टी की, डी टी। अब इसको पहले इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कॉन्स्टेंट नंबर ऑलवेज आपका ऐसे रहेगा,
जो टी के साथ में नंबर है उससे आप डिवाइड कर दो 0.06, क्योंकि आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए, उसके बाद आप इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो मैंने आपको भी बताया नहीं है, बट डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ई रेज टू पावर लाइक 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर समथिंग इनटू डेरिवेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, डेरिवेशन ऑफ 2x मल्टीप्लाई में होता है, तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर 2x इंटू 2, ये डेरिवेशन हो गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये ई रेज टू पावर समथिंग ऑलवेज समथिंग रहता है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? और आपने क्या करना है, यहाँ पर ई रेज टू पावर 2x 2x हो गया इंटू 2, जो नंबर है उससे आपको डिवाइड कर देना होता है। तो देखो ये किससे बना था, ई रेज टू पावर 2x ही बना था ना आपका। बड़े गोल्ड हो रखा है, तो अभी इतना मत समझो, मैं आपको जब समझाऊंगा कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 तो एक एक बात, चेन रूल, क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब होगा। फिलहाल यहाँ पे इतना ध्यान रखो, जो e के ऊपर जो कांस्टेंट नंबर है जो i है उससे डिवाइड हो जाएगा आपका ये। अब ये आपका आ जाएगा, इंटीग्रेट हो गया आपका, अब ये आपके पास हो जाएगा ये e रेज टू पावर 0.06 इंटू टी और 0 to 3 लेना है आपने, तो 1000 अपॉन 0.06 सॉल्व करेंगे तो e रेज टू पावर 0.06 और t की जगह एक बार 3 रख देंगे माइनस e रेज टू पावर 0, एक बार t की जगह 3, एक बार t की जगह 0, दिस वन। क्लियर है बच्चे, आगे सॉल्व करते हैं इसको आप, तो लगभग लगभग आपका 2 0 ऊपर आ गया, सॉल्व करेंगे आप तो 2 से काटेंगे, नीचे 2 से काटेंगे 3 आ गया, यहाँ सॉल्व करेंगे e रेज टू पावर 0.018 माइनस e रेज टू पावर 0। क्लियर है बच्चे, अब e रेज टू पावर कैसे निकालोगे आप, क्वेश्चन ये है। अब आप e रेज टू पावर कैसे निकालेंगे, हो सकता है आपके स्कूल में दे दे, कई बार हो सकता है आपको नहीं दे और इस तरीके से आपको परेशान किया जाए। मैं बता रहा हूँ कुछ वैल्यूज, टू पॉइंट, सबसे पहले e की वैल्यू क्या होते हैं, साइड में सीख लो ये, e की वैल्यू अगर e टेबल नहीं दिया जाए तो अपने कैलकुलेटर पे e की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आओ सीखो कि अगर आपको e टेबल गिवन नहीं है तो आप अपने सिंपल कैलकुलेटर पर e की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चे, e की जो अपनी बेसिक वैल्यू होती है, e की वैल्यू क्या होती है, 2.7183, ठीक है, क्लियर है। इसको क्या करो आप, ये e की अपनी वैल्यू होती है, इसको याद कर लो, सबसे पहले शुरुआत इसी से करनी है आपको, 7183, और इसके ऊपर रूट करना है कितनी बार, 12 बार करना है, ठीक है। तो 2.7183 रूट करना है 12 बार, 2.7183, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्लियर है। तो ये वैल्यू क्या आई आपके, 1.00024417206। फिर क्या करना है इसमें से आपको, ये तो स्टेप वन हो गया, ठीक है, अब आपके पास में स्टेप टू क्या करना है, फिर इसमें से आप एक काम करो, ये स्टेप वन हो गया ना, ये वैल्यू है, इसको बार बार कर लो। अब स्टेप टू, इसमें से क्या करो, माइनस वन करो, ठीक है, तो देखो क्या आता है, माइनस वन तो क्या है, 0.00024417206। अब स्टेप थ्री क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो अपनी वैल्यू से, वैल्यू क्या है आपके पास में, ई की वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, 0.18, ठीक है बच्चे, मैं निकाल किसकी वैल्यू रहा हूँ, ई रेज टू पावर 0.18, अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 0.18 इक्वल्स टू, ठीक है बच्चे, क्लियर है।
तो क्या रिजल्ट आया, 0.00043950097। ठीक है बच्चे, ये इसकी वैल्यू आई है। अब क्या करना है आपको, आपको मल्टीप्लाई इन इक्वल्स टू आपको करना है बच्चे 12 टाइम्स। क्लियर है बच्चे, क्या वैल्यू आया 97 मल्टीप्लाई करने का। उसके बाद प्लस वन इक्वल्स टू, फिर प्लस वन के बाद इक्वल्स टू प्रेस कर दिया, तो आपके पास में आया 1.00004395097। अब उसके बाद 12 बार फिक्स है, 12 बार मल्टीप्लाई बाय एंड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ऐसे आपको करते रहना है। ठीक है बच्चे, तो इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। और देन उसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू 50,000/3 ये वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगा वह पूरा प्रोसेस मुझे दोबारा करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं करा। अब कैलकुलेटर में गलत बटन दब गया था, यहाँ पे ई रिश्वा और जीरो ऑलवेज वन होता है, सॉल्व कर देना आपके पास में आ जाएगा कि आपके पास में वैल्यूज क्या रहेंगी। क्लियर है, तो ये सॉल्व करोगे आप तो आपके पास में आएगा 1972 50,000/3 इंटू 0.1972। ठीक है बच्चे, तो सॉल्व करेंगे 50,000/3 इंटू 0.1972, तो आपके पास रिजल्ट आया 3286.66। क्लियर है बच्चे, तो कॉन्टिन्यूसली का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपका, यहाँ पे टॉपिक आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? मैं एक क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आ बैंक पेज लास्ट क्वेश्चन है, आ बैंक पेज इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूसली a bank pays interest 6% annually compound constantly, find how much should be deposit, how much should be deposit
इन द बैंक ईच ईयर in order to accumulated accumulate रिट 6,000 rupees इन 3 years. सो सिंपल है बच्चे, इस बार आपको इंस्टॉलमेंट बताना है आपको कि इंस्टॉलमेंट क्या रखना चाहिए. तो वही S इक्वल्स टू आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 and R e raised to power i into t. ठीक है बच्चे, तो S इस बार आपका सम ऑफ अमाउंट आपको पता है कि कितना बनना चाहिए, 6,000 रुपये. क्या अप्लाई करेंगे, दिस वन 0 and R आपने फाइंड करना है, e रेस टू पावर i वही आपका होगा 0.06 इंटू टी. टी तो अभी टी ही रहने दो क्योंकि अभी हमें ये अप्लाई करना है, 0 to time 3 years. तो बस 6,000. अब आपको इसका इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, R अपॉन जो T के साथ तो मल्टीप्लाई होता है ये बताया था मैंने, और सॉल्व करेंगे e रेस टू पावर एक बार 0.06 इंटू 3 माइनस e रेस टू पावर एक बार 0. क्लियर है बच्चे, तो बस इसको सॉल्व करके और यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे. क्लियर है, तो आपको ये सॉल्व करना आता है ना, अभी सिखाया था मैंने कि 6,000 इक्वल्स टू आर अपॉन 0.06 इंटू, क्या वैल्यू अभी आई थी ई रेस टू पावर समथिंग की, सेम क्वेश्चन था ना हमारा ये लगभग दिस वन, क्या वैल्यू आई थी इसकी, 1972. बस सॉल्व करो आप, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0.06 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 0.1972 इक्वल्स टू आर, एंड आर इक्वल्स टू 360 अपॉन 0.1972 एंड आर इक्वल्स टू 1825.55. तो कॉन्टिन्यूसली वाला क्वेश्चंस आपके पास में ये है, मैंने क्वेश्चन ये भी करवा दिया, यूट्यूब के भरोसे मत रहिए, यूट्यूब पे तो भैया आपका पता नहीं सीए वाला भी चल रहा है, ट्वेल्थ वाला भी चल रहा है, सब चल रहा है, और आपको पता ही नहीं बीकॉम वाला क्या है क्या नहीं है. सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं यूट्यूब के फ्री क्लासेस के चक्कर में, नो डाउट. तो जो बीकॉम अगर आप कर रहे हैं तो आप बीकॉम ऑनर्स का ही कोर्स लें, क्योंकि आपको फिर वो बीकॉम ऑनर्स का पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा. ये सब क्वेश्चन आ जाए आपने पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, वहाँ से आपका किस तरीके से हो जाएगा बताओ ज़रा, नहीं हो पाएगा ना बच्चे. अब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है बच्चे, एनयूटी का ये सारे कुछ क्वेश्चन है आपके, अपनी प्रैक्टिस अपने कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है. इसके आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ठीक है ना, तो ये आप कर लेना.